नमस्कार फ्रेंड्स, माइंड टू चैनल हॉट क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2021 परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। फ्रेंड्स, मैं आप एमपी सरकार जो है आपके एग्जाम की तैयारी कराने लगा है। आप तो बात करें एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की, तो एमपी पुलिस में 4000 कांस्टेबल भर्ती की नई परीक्षा तिथि का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस संबंध में जल्दी अपडेट मिलने वाला है। एमपी पुलिस 4000 कांस्टेबल भर्ती के लिए राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 6 अप्रैल 2021 की परीक्षा शुरू होनी थी, जिसे कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था। एमपी पुलिस की इस परीक्षा के लिए करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। हम आपको बता दें, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर जो है न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, इसलिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि अनलॉक के साथ ही राज्य में रोजगार बढ़ाने और भर्तियों को शुरू करने के नाम किया जाएगा। ऐसे में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि एमपी पुलिस की परीक्षा बहुत ही जल्दी आप एमपी की ओर से जून 2021 के अंत तक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 का नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, जैसे ही कोरोना के संक्रमण मरीज जो है कम मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे ही आपके एग्जाम डेट निर्धारित कर दिया जाएगा। एग्जाम डेट निर्धारित होने के बाद फिर आपकी परीक्षा कर दी जाएगी। चलिए थोड़ी और जानकारी लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से, थोड़ा और आपको एग्जाम के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं आपका एग्जाम में क्या क्या डिटेल होने वाला है। कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए कुछ खास बातें हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र कांस्टेबल जीडी पद के अभ्यर्थियों को हल करना होगा, जबकि दूसरा पत्र जो है आपके कांस्टेबल रेडियो पद के अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्न पत्र हल करने होंगे। दोनों प्रश्न पत्र आपके 100-100 नंबर के होंगे और दोनों के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सिर्फ पास होना जरूरी होगा। इसके मार्क्स जो हैं जो मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, तो आपको पता होगा आपके जो मेरिट है उसमें ये वाले मार्क्स जो है नहीं जोड़े जाएंगे। तो आपको सारी चीज़ आपको कवर हो गई है। हम आपके जैसे ही एग्जाम डेट आएगा वैसे ही हम आपको एक वीडियो आपको दे देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।